कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम गहलोत के साथ राजस्थान में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया गया है। इस दौरान कांग्रेस ने वादा किया कि यदि केंद्र में हमारी सरकार आती है तो तत्काल महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने महिलाओं को साधने के लिए, और खासकर सुनिए राहुल गांधी की खुद जुबानी। अब देखिए, महिला आरक्षण का हमने पूरा समर्थन किया है। राजीव गांधी जी पंचायती राज में महिला आरक्षण लाए थे। हमने बिल का, सब पार्टियों ने, इंडिया ने, जो हमारा गठबंधन है, सब पार्टियों ने कहा हम इस बिल को पूरा समर्थन देते हैं, मगर इसमें हमारे दो तीन सवाल हैं। सवाल के जवाब दे दीजिए। पहला सवाल, इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल, बीजेपी के लोग कहते हैं कि महिला आरक्षण करने से पहले नए सेंसस की जरूरत है और नए डिलिमिटेशन की जरूरत है। यह सच नहीं है भाइयों और बहनों। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए विधानसभा और लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं को आज